अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आपने इलामा इकबाल की नज़म सुनी। मैं दुआ करता हूँ मेरे सारे भाई बहनों की ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो, उनका काम गरीबों की हिमायत करना। दोस्तों, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कॉर्न देखा, एग देखा, और आप ये मुख्तलिफ टाइप के सीड्स देख रहे हैं। देखें, इंसान की नेचर जिस तरह होती है कि वो जितना मर्ज़ी अच्छा खा ले, वो खा खा के बोर हो जाता है। इसी तरह हम जो जानवर अपने पास रखते हैं, जो कैप्टिविटी में होते हैं, वो एक मखसूस डाइट खा खा के बोर हो जाते हैं, और फिर वो खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मूलेशन के साथ ऑर्गेनिक डाइट उनको देना चाहिए ताकि वो उसको खा सकें। अब जैसे कि आप इस पॉट के अंदर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सीड्स हैं, जैसे आपको नज़र तो नहीं आ रहे होंगे इसमें बहुत सारे सीड्स, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके डिटेल। जैसे कैनरी सीड है, भंग है, नाइजर है, कंगनी है, मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, अलसी है। आप इसके अंदर चारों मगज़ देख रहे हैं, इसमें आप जौ का दलिया देख रहे हैं, गंदम का दलिया देख रहे हैं, इसमें आप अखरोट भी हैं, इसमें बादाम भी हैं। ये सारे सीड्स हम इनको मुख्तलिफ किस्म की फार्मूलेशन के साथ बाज़ोकात अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि आपको कॉर्न नज़र आ रहा है, ये हाइब्रिड कॉर्न है, ये बाहर से आता है, बहुत ताकतवर होता है। ये जो हमारे काश्तकार होते हैं, इसको F1 के तौर पे यूज़ करते हैं। F1 कहते हैं कि वो सीड जो कि बाहर से आता है और जिसकी काश पाकिस्तान में होती है, और उसका पहला बीज निकलता है, पहला बच्चा निकलेगा, तो उसको हम F1 कहते हैं कोड वर्ड में। तो ये बहुत ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉर्न जो कि आप देख रहे होते हैं। हम उसको की मुख्तलिफ किस्म की फार्मूलेशन करते हैं। हम उन कॉर्न को बॉयल करके उसके अंदर अंडे मिला के, उनके अंदर ये सीड्स मिला के, उसके बाद हम इसमें आप ऑलिव ऑयल मिक्स करके, फिर हम इस बर्ड को जो हमारे पास लगे होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि बर्ड्स जो आपके हीट पे नहीं आ रहे होते, हम ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है, इससे ये गर्म होता है, और ये सीड्स स्पेशली नाइजर बहुत गर्म होता है और सीड्स इसमें गर्म होते हैं। तो आप वो ये फॉर्मूलेशन के साथ बर्ड्स को देंगे तो बर्ड बड़ा खुश होकर इसको खाता है, बड़ा इंजॉय करता है, और आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट लगी होगी, लेकिन यकीन जाने मेरे 2-3 साल की मेहनत है, इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वो क्या कहा किसी ने कि करोगे सेवा तो खाओगे मेवा। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़। जो राह हो उस रहे पे चला।